सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ईआर ग्रेट यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे एक बेस ट्यूब जो कि आप मात्र 500 रुपए के अंदर में ही खुद से बना सकते हो अपने घर पे ही, और जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें नॉइज डिस्टोर्शन बिल्कुल भी नहीं है, 95% साउंड क्वालिटी बेहतरीन है। ये हमारा बेस ट्यूब रिचार्जेबल होगा, प्लस में बेस भी इसका लगभग ठीक ठाक मिल जाएगा। बात करूँ इसके फंक्शंस का, तो वही पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड से सारी चीजों से चला सकते हो, लेकिन इस पे आप माइक भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। आप चाहे तो माइक के साउंड का इको भी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, यानी कि इसमें एक बेहतरीन सा फीचर है। गाइस, आइए सुनाता हूँ मैं इसकी साउंड क्वालिटी, फिर हम इसे बनाना सीखेंगे। तो जी भाई साहब, हमें इस बेस ट्यूब को बनाने के लिए हम लेंगे 6mm का MDF बोर्ड, और इसे हम मार्क कर लेंगे 11x8.5 इंच का। ये चारों तरफ का सेम साइज का होगा, तो हम इस साइज के MDF बोर्ड को हमें 4 पीस काट लेना है। और आप देख सकते हो इन चारों का थिकनेस कुछ इस तरह से है। आपके पास MDF बोर्ड नहीं है तो आप प्लाईवुड भी यूज कर सकते हो, आधा इंची वाला। अब हमें दो और पट्टी लेना है, 8.5 इंची में से 6mm कम कर देना और 11 इंची में से भी 6mm कम करके काटना है। ये दो पट्टी हमारा फ्रंट और बैक पैनल के लिए होगा। फिर हमने ये जो 8.5x11 इंची का पट्टी काटा है 4 पीस, उन सभी को एक एक साथ में हम इस तरह से चिपका देंगे। इसे चिपकाने में मुझे काफी समय लग गया था, तो देखिए मैं आराम आराम से चिपका करके सुखा रहा था। मेरे पास कोई भी क्लैंप नहीं है, तो मैंने एक एक को चिपका करके सुखाया यहाँ पे। फ्रंट साइड के पैनल को लगाते वक्त ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर के अंदर में लगाया हूँ इसे। देन ये सूख जाने के बाद बैक वाले पैनल को सपोर्टिव के रूप में डाल करके हम टॉप वाले पैनल को भी इसमें फेविकॉल से चिपका देंगे। ध्यान रखना कि बैक वाले पैनल को अभी नहीं चिपकाना है हमें। आप देखेंगे फेविकॉल से चिपकाने के बाद इसके कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है, तो उसको भरने के लिए हमें MDF बोर्ड काटते वक्त जो चूर्ण निकला था वो उसमें हमें फेविकॉल मिला देना है और अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लेना है। और जहाँ जहाँ भी गैप रह जाता है हमारा इस बॉक्स में, उसमें हमें इसे भर करके सूखने छोड़ देना है। नेक्स्ट में अब हमें 12mm के 4 इस तरह के छोटे छोटे पट्टी लेना है और उसे बॉक्स के बैक साइड पैनल जहां लगेगा वहां के चारों कॉर्नर्स में एक एक करके चिपका देंगे और इसे भी छोड़ देंगे हम सूखने के लिए। देन गाइज, मैं यहाँ पर 6 इंच का स्पीकर यूज करूँगा, तो 6 इंच के स्पीकर के साइज का हमें मेजर करके मार्क कर लेना है पेंसिल से। एंड देन इसे हम कंपास से एकदम राउंड सर्कल बना के उसके अंदर में भी एक लाइन बना देंगे। एंड देन कील से हम ठोक ठोक करके कुछ इस तरह से मार्क करके उस पर ड्रिल कर लेंगे, और ड्रिल मशीन से ही मैं इसे राउंड सर्कल में काट रहा हूँ कुछ इस तरह से। देखिए, आप भी काट सकते हो अगर आपके पास में राउंड सर्कल में काटने की कोई मशीन नहीं है तो। देन इस गैप में स्पीकर को लगा के स्क्रूज लगाने के लिए भी हमें मार्क कर लेना है और स्क्रूज के लिए भी ड्रिल कर देना है। देन गाइज, आइए अब हम काम करते हैं इसके बैक पैनल में। बैक पैनल में आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इस पैनल को यूज़ करूँगा। ये हमारा ट्रॉली पैनल का ही पूरा मॉड्यूल है, ये केस है उसका, तो उसी के साइज के अनुसार भी हमें इसमें ड्रिल करना होगा। तो देखिए, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे कितना साइज का मुझे ड्रिल करना है। तो इस तरह से मैं मार्क करके इसमें भी ड्रिल कर देता हूँ और इसमें भी गैप बना देता हूँ। उसके बाद इसमें मुझे लगाना है एक बेस पाइप, तो इसे लगाने के लिए यहाँ भी हमें होल करना होगा। उसके लिए मैं कप ड्रिल बिट से इसे होल बना देता हूँ और यह काफ़ी परफेक्ट बैठ जाता है इसमें, लेकिन कॉर्नर्स नहीं बैठते हैं।
उसके लिए इसके साइड साइड में भी थोड़ा सा रगड़ देता हूँ सैंड पेपर से। अब हमारा बॉक्स चारों तरफ से कंप्लीट है। आइए अब इसे स्मूथ करते हैं सैंड पेपर से रगड़ करके। तो कुछ इस तरह से मैं चारों तरफ से सैंड पेपर से रगड़ करके एकदम स्मूथ कर लेता हूँ। उतना भी हमें स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल में होना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इसमें मैट चिपकाने का। ये देखिए, मैं यहाँ पर ये मैट यूज़ करने जा रहा हूँ। ये मैट मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया था, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टावर स्पीकर वाले में यूज़ किया था। तो इससे चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं फेविकोल से इसे लगा देता हूँ। जो बॉक्स का नीचे साइड रहेगा उसमें मैं यहाँ पे आधा चिपका करके बॉक्स के ऊपर में कुछ हेवी चीज़ रख दे रहा हूँ, ताकि ये कुछ समय में एकदम अच्छे से चिपक जाए। फिर कुछ देर बाद यह सूख जाता है, तो दूसरे साइड भी हमें इसी प्रकार से फेविकोल से चिपका देना है। एंड इसी प्रकार से हमें तीसरे चौथे साइड को भी चिपका करके हमें पूरा मैट को चिपका देना है इस बॉक्स में। देन गाइज, हमें यहाँ पे फ्रंट साइड के पैनल के साथ में बैक साइड के पैनल को भी चिपका देना है इस मैट को। आप अलग अलग कलर्स के भी मैट को यूज कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। सभी साइड मैट चिपकाने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है यह। अब होल्स में मैट को काट लेंगे जहाँ जहाँ भी होल्स है, जैसे कि स्पीकर के लिए, बेस पाइप के लिए और ट्रॉली मॉड्यूल के लिए भी। ये है हमारा ट्रॉली मॉड्यूल जिसमें सारा फंक्शन दिया हुआ है, पेन ड्राइव का, चार्जिंग का, डिस्प्ले मॉड्यूल, इसमें इको का भी सिस्टम दिया हुआ है, मस्त फंक्शन है। इसी में आपको स्विच ऑन ऑफ का भी मिल जाएगा और इसमें एलईडी भी लगाने का भी फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि कई सारे फंक्शंस है इसमें। यह आपको मार्केट में 180 रुपये 200 रुपये में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हो। इसके केस को लगाने के लिए हमें अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसका केस मेरा ये रहा, मैंने मंगवाया था इसे ऑनलाइन। उसके बाद इसे मैं असेंबल कर देता हूँ, स्क्रीव से टाइट कर देता हूँ। ये काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है। दोस्तों, इस मॉड्यूल का क्या है ना कि इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर है, तो हमें एक्सटर्नल एम्पलीफायर बोर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, उसमें लगाने के लिए हमें एक नॉर्मल स्पीकर चाहिए होता है, 20 से 30 वाट 40 वाट का। ये आप कोई सा भी लगा सकते हो, चलता है। जैसे कि यहाँ पर मैं नॉर्मल स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। उसमें कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर मैंने कनेक्ट कर दिया है इसके वायर में, और ये कनेक्टर डायरेक्ट हमारा इस मॉड्यूल में लग जाएगा, इसीलिए कनेक्ट किया है। तो ये दोनों वायर स्पीकर में मैं कनेक्ट करके इस स्पीकर को इस बॉक्स में मैं टाइट कर देता हूँ जिप्सम स्क्रीव से। यहाँ पर ये 1 इंच का मेरा जिप्सम स्क्रीव्स है। अब बेस पाइप को हमें ग्लू स्टिक से चिपका देना है दोनों तरफ से एकदम अच्छे से। ये सूखने के बाद हमें लिथियम आयन सेल्स को चिपका देना है। इसमें 2 सेल लगाने का जगह रहता है इस मॉड्यूल में, तो यहाँ पर मैं 2 सेल को इसी के बैक पैनल में चिपका दे रहा हूँ ग्लू स्टिक से ही। इस बॉक्स का बेस बनाने के लिए ये देखिए, मैंने इसके बेस का भी जुगाड़ किया हुआ है, 3D प्रिंटिंग किया हुआ है। देखिए कितना स्मूथ, मैंने खुद से इसका डिजाइनिंग करके खुद से प्रिंट किया हुआ है। तो इसे भी हम अंदर साइड से जिप्सम स्क्रीव से टाइट कर देंगे चारों साइड में। ये अच्छे से मेजरमेंट ले करके हमें स्क्रीव से टाइट करना है इस पे। फिर हम ट्रॉली मॉड्यूल को बैक पैनल में लगा करके स्क्रीव से टाइट कर देंगे। यहाँ पर मैं 4 स्क्रीव से ही टाइट कर रहा हूँ। गाइस, स्क्रीव को उतना भी टाइट मत करना, नहीं तो ये कचकड़ का बना हुआ है, टूट जाएगा। फिर क्या, दोनों लिथियम आयन सेल्स के पावर केबल को इस मॉड्यूल में हम लगा देंगे, और जो स्पीकर का वायर है उस केबल को भी हम कनेक्टर से कनेक्ट कर देंगे इस मॉड्यूल में। एंड देन जो बैक वाला पैनल है उसे भी हम स्क्रीव से टाइट कर देंगे। और क्या, फिर हमारा फाइनली ये बेस ट्यूब बनके तैयार है म्यूजिक बजाने के लिए। तो आइए गाइज, अब हम यहाँ पे म्यूजिक चेक करके देखते हैं इस बेस ट्यूब का। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Break out, spent all my life holding all of me closely. I've played it in a sense, a feel of discontent. I'm feeling fearless. Fearless. Yeah.
हेलो 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 माइक के साथ में आप म्यूजिक भी यूज कर सकते हो एक साथ में जैसा आपका यूज करना वैसा म्यूजिक को स्टॉप करके आप केवल माइक को भी यूज कर सकते हो एज ऑलवेज जैसा आप चाहो वैसा यूज कर सकते हो। देखो मैं मोबाइल से अपना वॉल्यूम कम कर रहा हूँ म्यूजिक। तो दोस्तों आई होप ये आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें कंट्रोल के लिए एक मैन वॉल्यूम का दिया हुआ है, एक माइक का वॉल्यूम दिया हुआ है और एक इको का दिया हुआ है। इसमें चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है जिससे कि आप चार्ज कर सकते हो सेल्स को। तो आई होप ये प्रोजेक्ट आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।